हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विस्टम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। हम जनसंख्या से संबंधित वीडियोस पे चर्चा कर रहे थे, उनके डेटा पे चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम में ये अंतिम वीडियो है और यहाँ पर आपके सभी जनसंख्या से, भारत की जनसंख्या से संबंधित जो आंकड़े हैं वो पूरे कर लिए गए हैं। हम आज ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या आंकड़ों के बारे में चर्चा करेंगे कि भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण है, कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरी है, ग्रामीण जनसंख्या किन राज्यों में सर्वाधिक है और शहरी जनसंख्या किन राज्यों में सर्वाधिक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि इससे पहले के वीडियोस में भी हमने जनसंख्या से संबंधित विभिन्न प्रकार के आंकड़े, चाहे वो लिंगानुपात हो, चाहे जनघनत्व हो, दशकीय वृद्धि हो, साक्षरता हो, इन सब के बारे में चर्चा की। उसी क्रम में हम ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के आंकड़ों की भी चर्चा करेंगे, जिससे कि हमारा जनसंख्या का जो खंड है, जो सिलेबस के आरओ के सिलेबस के भाग संख्या 6 में जनसंख्या भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो पूछी गई है, उससे संबंधित जो आंकड़े हैं वो यहाँ पर आपके पूरे हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, भारत में जो शहरी जनसंख्या है, जो शहरों में रहती है, उसमें 31.16% जो जनसंख्या है वो शहरों में रहती है। वहीं ग्रामीण जो जनसंख्या है, जो लोग गाँव में रहने वाली जनसंख्या है, वो 68.84% जो जनसंख्या है वो लगभग आपकी ग्रामीण में रहती है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि राउंड फिगर में आपको 69% दिया जा सकता है, ठीक है, और यहाँ पर 31.2 हो सकता है। जैसा कि एक प्रश्न इस बार आया था कि भारत में रहने वाली जो जनसंख्या है, शहरी जनसंख्या कितनी है, तो 32.1% यहाँ पे 6 है, इसको एक इधर बढ़ा देते हैं तो 31 पॉइंट आपकी 2% जो जनसंख्या है वो शहरी है। जैसा कि फरवरी में जो पेपर हुआ था आरओ का, उसमें इस प्रकार का प्रश्न आया था और उसमें विकल्प आपको दिए गए थे 31.8%, 31.2%, इस तरह के आपको विकल्प दिए गए थे। बहुत ही पॉइंट के बाद जो संख्या है उसमें परिवर्तन करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई थी। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो 31.16% है, और अगर राउंड फिगर में अगर हम कर लें तो 31.2% जो जनसंख्या है वो आपकी क्या है, शहरी जनसंख्या है। यहीं पे अगर आप ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो इसे 69% भी किया जा सकता है, या 68 पॉइंट, मान लीजिए 68.8% भी रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये आंकड़ा थोड़ा कॉमन सेंस से ध्यान रखिएगा। वहीं अगर बात करें कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले कौन कौन से राज्य हैं, उसमें प्रथम स्थान आपका आता है उत्तर प्रदेश का। तो सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसकी जनसंख्या देश के मामले में प्रथम है। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या के मामले में भी हमारा राज्य प्रथम है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बिहार है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, और अंतिम चौथा जो है वो आपका महाराष्ट्र है। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या राज्य की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला हुआ है। वहीं ओवरऑल जनसंख्या में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला हुआ है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशत की बात करें, देखिए यहाँ पे प्रतिशत की बात हो रही है कि टोटल राज्य में अगर पॉपुलेशन 100% है तो उसमें कितने प्रतिशत जनसंख्या है वो आपकी ग्रामीण है। तो सर्वाधिक अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में है, जहां पर 90% जनसंख्या जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इसके बाद अगर देखा तो बिहार 88% जनसंख्या है, जो बिहार की जो ग्रामीण जनसंख्या है वो गांव में रहती है प्रतिशत के मामले में। तो सर्वाधिक नंबर्स के मामले में भी बिहार दूसरे स्थान पर है, और यहाँ प्रतिशत के मामले में भी बिहार दूसरे स्थान पर है। इसके बाद तीसरे की अगर हम बात करें तो असम, और अंतिम चौथा आपका मिल जाएगा उड़ीसा। तो प्रतिशत के मामले में यहाँ सर्वाधिक की बात हो रही है, सर्वाधिक प्रतिशत के मामले में ग्रामीण जनसंख्या में हिमाचल प्रदेश है, फिर बिहार है, फिर असम है, और तत्पश्चात आपका उड़ीसा है। आगे देखिए, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या जो है नंबर्स में वो सिक्किम में है, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वो सिक्किम में है, उससे अधिक मिजोरम में, उससे अधिक गोवा में, और उसके अधिक आपकी किसमें है, अरुणाचल प्रदेश में। तो पूरे भारत में अगर पूछा जाए सबसे कम जो आपकी ग्रामीण जनसंख्या है वो सिक्किम में है, सबसे कम किस में है, सिक्किम में है, उसके बाद मिजोरम में, उसके बाद आपके अगर देखा जाए उससे अधिक आपकी गोवा में, ठीक है। तो सिक्किम से ज़्यादा मिजोरम में है, मिजोरम से ज़्यादा आपकी गोवा में है, और गोवा से अधिक किस में है, अरुणाचल प्रदेश में। वहीं प्रतिशत के मामले में अगर आंकड़े देखे जाए तो सबसे कम प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या जो है वो गोवा में है, यानी कि परसेंटेज के मामले में जो पॉपुलेशन है, जो ग्रामीण पॉपुलेशन है, वो सबसे कम प्रतिशत मात्रा जो है वो आपकी गोवा में है, उससे अधिक मिजोरम में है, उससे अधिक तमिलनाडु में, और उससे अधिक प्रतिशत किस में है,
केरल में है, ठीक है। तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत राज्य में सबसे कम परसेंटेज में गोवा में ग्रामीण रहते हैं, उससे अधिक मिजोरम में रहते हैं। मिजोरम यहाँ पर भी दूसरे स्थान पर है और यहाँ पर भी देखा जाए तो दूसरे स्थान पर है, ठीक है। तो ये हमने ग्रामीण जनसंख्या के सर्वाधिक नंबर्स वाले में भी देख लिया काउंटिंग में, और परसेंटेज के मामले में भी हमने आंकड़े देख लिए। देखिए पेन पेपर साथ में लेते हुए इनके नोट्स भी बनाते हुए चलिए ताकि आपको कोई समस्या ना हो। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या आंकड़ों की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र की टोटल पॉपुलेशन का 13.47% यानी नंबर्स में जो है सबसे ज़्यादा नंबर्स में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या पाई जाती है। वहीं उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक शहरी जनसंख्या पाई जाती है। देखिए ये जनसंख्या 1, 2, 3, 4 नंबर्स के मामले में है, परसेंटेज के मामले में नहीं है। मैंने यहाँ पे प्रतिशत इसलिए रखा है ताकि अगर ऑप्शन इस तरह से उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र का आता है तो आप उसको भी सही कर सके, जैसे कि शहरी जनसंख्या के बारे में पूछा था। ऐसी मान लीजिए आपसे पूछ लीजिए उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत शहरी जनसंख्या रहती है, तो 11.7% और इसको 11.8 भी कर माना जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखिए सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत के मामले अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या किस में है, गोवा में है। उससे बाद किस में है, उससे कम किस में है, मिजोरम में है। उससे कम आपकी तमिलनाडु में है, और सर्वाधिक आपकी जो है उसके बाद में किस में है, केरल में है। तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत जनसंख्या जो शहरी है वो गोवा में है, उससे कम मिजोरम में है, उससे कम तमिलनाडु में, उससे कम केरल में है। प्रतिशत के यही आंकड़े जो है अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बिल्कुल सेम आंकड़ा है, ठीक है, कि न्यूनतम प्रतिशत किसमें है तो वही उसका परसेंटेज में उल्टा क्या हो जाएगा, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर डबल डबल डेटा ऐड करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको यूज़ करना होगा। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत के मामले में जहाँ पे गोवा सबसे ज़्यादा है तो वहीं पे अपोजिट में सबसे प्रतिशत के मामले में सबसे कम कहाँ होगी, ग्रामीण की होगी, ठीक है। आगे देखिए न्यूनतम शहरी जनसंख्या राज्य कौन से हैं, न्यूनतम शहरी जनसंख्या के राज्य हैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। सबसे कम शहरी जनसंख्या जो है पूरे भारत में सिक्किम में पाई जाती है, उससे अधिक अरुणाचल प्रदेश में और उससे अधिक नागालैंड में। आगे देखिए इसके बाद न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत राज्य की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जहाँ ग्रामीण जनसंख्या 90% थी तो शहरी जनसंख्या कितनी हो गई, 10% हो गई। उससे अधिक शहरी जनसंख्या कहाँ है, हिमाचल प्रदेश से अधिक शहरी जनसंख्या बिहार में है, उससे अधिक असम में है और उससे अधिक किस में है, उड़ीसा में है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक कॉमन सेंस का ही ये आपको बिल्कुल आंसर मिल जाएगा कि न्यूनतम शहरी जनसंख्या के जो प्रतिशत राज्य होंगे वो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या के जस्ट अपोजिट रहेंगे, तो वहाँ पे भी ऑप्शन आपको सेम मिलेंगे। तो न्यूनतम शहरी जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में है केवल 10% है, क्योंकि वहाँ पर 90% जो पॉपुलेशन है वो कैसी है, ग्रामीण जनसंख्या की है, ठीक है। आगे देखिए शीर्ष या सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य अगर बात करें तो केंद्र शासित में अगर हम देख ले तो दिल्ली 97.5% जो है शहरी जनसंख्या प्रतिशत के मामले में 97.5% जनसंख्या दिल्ली की कैसी है, शहरीकृत है। और चंडीगढ़ में कितनी है, 97.3% जनसंख्या जो है चंडीगढ़ की शहरी है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रतिशत में केंद्र शासित की अगर हम बात करें तो 97.5% जनसंख्या जो है केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो किसकी है, केंद्र शासित प्रदेश की बात करी जाए तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा है, ठीक। तो ये रहे आपके जनसंख्या से संबंधित जो शहरी आंकड़े और ग्रामीण आंकड़े थे उनके बारे में हमने चर्चा यहाँ पे बहुत ही इन शॉर्ट में, बहुत ही कम समय में 10 मिनट के अंदर ही हमने इस पर चर्चा कर ली है। देखिए ये जो आपके आंकड़े हैं ये आपको नियत समय पे दोहराते रहने होंगे, याद करते रहने होंगे, निरंतर अभ्यास से आप इन आंकड़ों को बहुत अच्छे से तैयार कर पाएंगे। और निश्चित ये बात मानिए कि एक मिनिमम 2 प्रश्न और अधिकतम 4 से 5 प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, और आप परीक्षा के बाद इन्हीं नोट्स को अगर आप दोबारा देखेंगे तो इन्हीं नोट्स में से आपको 2 से 3 प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने 4 राज्यों का सीक्वेंस रखा है आरोही अवरोही में, इससे अधिक जो है आपका बाहर जाने वाला प्रश्न नहीं है। और सटीक आपको बहुत सारी जगहों से पढ़ने से अच्छा है कि आप एक जगह पर आपको डेटा मिल गया। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या हो, चाहे प्रतिशत के मामले में हो, चाहे नंबर्स के मामले में हो, ठीक है, वो आपको आंकड़े अच्छी बेहतर तरीके से इस पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं ताकि आप अच्छे से इसकी तैयारी कर सकें। तो यहाँ पर भारतीय जनसंख्या से संबंधित जो भी आंकड़े थे 2011 के वो हमने इन 7 कक्षाओं में
पूरे कर लिए हैं। अब इससे आगे के जो जनसंख्या संबंधित वीडियो हैं वो हम उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को पढ़ेंगे, और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या संबंधित जो भी आंकड़े हैं उनकी चर्चा हम अगले वीडियोज़ में करेंगे। यहाँ पे हमने 7 वीडियोस में भारत की जनसंख्या से संबंधित सभी आंकड़ों की चर्चा कर ली है। उम्मीद है आपको ये सीरीज़, ये भारत की जनसंख्या की सीरीज़ बहुत पसंद आई होगी। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें और प्रोत्साहन मिले और हम आपके लिए अच्छे वीडियोस कम समय में सटीक डेटा लेकर आएँ जो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहे। इसी सीक्वेंस में आरओ में हम भारतीय कृषि, भारतीय उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं से संबंधित वीडियोस में समय समय पर आपके पढ़ेंगे, जो कि आपकी परीक्षा में एक बेहतर तैयारी करके आपको देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।